हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है, आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। ये पानासोनी की एलईडी टीवी है, वन टाइम पिक्चर ब्लिंकिंग इसमें प्रॉब्लम है। एक बार पिक्चर आता है उसके बाद ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, जैसे एक बार स्टैंड बाई रिलीज होता है फिर से लाल बत्ती हो जाता है, फिर से एक बार स्टैंड बाई होता है उससे फिर से लाल बत्ती हो जाता है, इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो आज का टॉपिक यही है, स्टैंड बाई रिलीज होता है फिर से प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इसका मदरबोर्ड हुआ, मदरबोर्ड को एक बार देख लीजिए। तो ये काफ़ी ये सिंपल टीवी है, तो ये जो टीवी आप देख रहे हैं जितने भी कैपेसिटर है आप कैपेसिटर को चेक करना है, क्योंकि कैपेसिटर लीकेज होने के बाद भी ये स्टैंड बाई रिलीज प्रॉब्लम आ सकता है। 12 वोल्ट से जितने भी रिलेटिव है और 5 वोल्ट से रिलेटिव है, और सारे रेगुलेटर को वोल्टेज चेक करना है। तो मैंने सबसे पहले वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ये 12 वोल्टेज ओके है। तो 12 वोल्टेज ओके होने के बाद मैं उसके बाद 1.2 वोल्टेज चेक करता हूँ, जिसकी जो कि कोर वोल्टेज होता है वो भी ठीक है, ओके है। उसके बाद एक 5 वोल्ट होता है, वो 5 वोल्ट मैंने आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, वो भी ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो मेमोरी आईसी पर जो होता है 3.3 वोल्टेज वो रनिंग करने के लिए स्टैंड बाई के लिए, तो वो उसको वही वोल्टेज आपको चेक करना है। ये मेमोरी आईसी हुआ, तो मेमोरी आईसी को मोटर का प्रोफ मैंने रख दिया, यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है और थोड़ा 1.6 वोल्टेज आ रहा है। मैंने मीटर को थोड़ा अच्छा से रख दिया हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं मेमोरी आईसी पर, और ये जो देखिए 2.6 वोल्टेज है, ये लगभग वोल्टेज यहाँ मिसिंग है। तो ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं 3118 रेगुलेटर है, तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो अभी जो मैंने मीटर का जो प्रोफ वहाँ पर रखा हूँ, 1.8 वोल्टेज प्रॉपर है या नहीं है, वो बिल्कुल ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वोल्टेज स्टैंड बाई के लिए होता है, और ये जो वोल्टेज होता है, ये जो 1.3 वोल्टेज हो, ये वोल्टेज डायरेक्ट मेमोरी आईसी पर जाता है, जो कि मैंने 8 नंबर पिन पर मैंने चेक किया, वहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा, नहीं था 2.6 वोल्टेज, वहाँ पर वोल्टेज मिसिंग है। तो ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं 3118, ये आईसी, तो ये आईसी का काम है 1.8 वोल्टेज आउट करना और 3.3 वोल्टेज आउट करना, दो वोल्टेज ये रेगुलेटर आईसी काम आउटपुट करता है। ये बहुत पॉपुलर रेगुलेटर आईसी है, लगभग जितने भी चाइना मॉडल का जो बोर्ड होता है उसमें सारे रेगुलेटर आईसी ये लगा हुआ रहता है। तो इस रेगुलेटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने वोल्टेज तो चेक कर लिया, इसी रेगुलेटर आईसी में प्रॉब्लम है, वोल्टेज उतना 3.3 वोल्टेज नहीं दे रहा है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद मेरे पास जो आईसी जो है ये सेम टू सेम आईसी न्यू नहीं है, मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है, इसको मैंने बाहर कर दिया हूँ और मैंने इंस्टॉल कर दिया हूँ। तो इंस्टॉल मैंने इस स्क्रैप बोर्ड से निकाल कर वहाँ पर इंस्टॉल मैंने किया, वो बिल्कुल ओके है, इसमें सेटअप हो गया। और सेटअप होने के बाद मैं थोड़ा इसको ठंडा करता हूँ दो मिनट के लिए, जो ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो इसको मैंने इंस्टॉल मैंने कर दिया और मैंने लाइन दे दिया, लाइन देने के बाद मैं आपको 8 नंबर पिन पर डायरेक्ट ही दिखाता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट हो रहा था। तो 3.3 वोल्टेज ओके है, जो कि मेमोरी आईसी को रन करने के लिए, स्टैंड बाई रिलीज होने के लिए, प्रोग्राम दिखाने के लिए ये भी यही आईसी का भूमिका है। और ये जो आप रेगुलेटर आईसी 3118 जो आईसी है बिल्कुल वोल्टेज हो गया ओके, और बैकलाइट भी ऑन हो गया, स्टैंड बाई रिलीज हो गया। पहले जो प्रॉब्लम था एक बार पिक्चर आता था फिर उसे ब्लॉक हो जाता है, स्टैंड बाई में चला जाता था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसको एक बार मैं आपको, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अब मैं टीवी पैक करके मैं आपको स्टैंड बाई रिलीज करके दिखाता हूँ। ये देखिए पानासोनी का लोगो आ गया, लोगो आने के बाद ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, पिक्चर ओके हो गया, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये भी वन आ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में जो होता है एकदम जेन्युइन जो पार्ट जो प्रॉब्लम होता है वही मैं बताता हूँ। तो वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, धन्यवाद।